दोस्तों, हम बात करेंगे 50 सालों से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रही एक ऐसी मशहूर अदाकारा की जो आई तो थी हीरोइन बनने, लेकिन इनमें मिली सफलता के बावजूद इन्होंने माँ, बहन, दादी का किरदार निभाकर ऐसे मुकाम हासिल किए जो शायद पहले किसी ने नहीं किया। तो एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगी। कई बड़े नामी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। फिल्म हो या फिर छोटा पर्दा, इन्होंने हर जगह अपने टैलेंट का डंका बजाया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की सबसे स्वीट माँ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस फरीदा जलाल के बारे में। बतौर हीरोइन अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली फरीदा जलाल ने बहन और माँ के रोल भी बखूबी निभाए हैं। लगभग हर बड़े फिल्म स्टार के साथ इन्होंने सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया है। आज इस वीडियो में हम आपको फरीदा जलाल के फिल्मों में आने से लेकर उनके फिल्मी सफर और उनकी निजी जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फरीदा जलाल का जन्म 14 मार्च 1949 को दिल्ली में हुआ था। इनके एक भाई है जिनका नाम खालिद है। फरीदा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई पंचगनी स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से हुई। छोटी उम्र से ही फरीदा को फिल्में अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी। स्कूल के दिनों में ये डांस भी खूब किया करते थे। फरीदा जब स्कूल में थी तब से ही ये नाटकों में छोटे मोटे रोल कर लिया करती थी। शौकिया तौर पर इस तरह डांस के साथ साथ स्कूल के दिनों से ही कहीं ना कहीं एक्टिंग से भी जुड़ गए थे। इसी दौरान मुंबई में एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। फरीदा जलाल ने भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना, विनोद मेहरा और सुभाष घई जैसे लोगों ने भी हिस्सा लिया था, जो उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए थे। फरीदा ने कभी भी एक्टिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी इस टैलेंट कॉन्टेस्ट के फीमेल विनर थी, जबकि राजेश खन्ना मेल विनर थे। वहीं फरीदा जलाल के टैलेंट से प्रभावित होकर ताराचंद बड़जात्या ने इन्हें तदबीर फिल्म के लिए साइन कर लिया। राजश्री बैनर तले बनी इस फिल्म की खासियत थी कि इसे कई सितारों ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन गया। तकदीर ठीक ठाक प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। फरीदा की मासूमियत ऑडियंस को बेहद पसंद आएगी। तकदीर के बाद फरीदा जलाल ने बहारों की मंजिल और महल जैसे बड़े बजट की फिल्मों में काम किया था। साल 1959 में फरीदा जलाल राजेश खन्ना के अपोजिट आराधना में नजर आई थी। इसमें राजेश खन्ना के साथ फरीदा की रोमांटिक केमिस्ट्री लोगों को खूब भाए। इस फिल्म के गीत बागों में बहार है को खूब पसंद किया गया था। बागों में हो रही आराधना के बाद फरीदा की अगली फिल्म थी पुरस्कार, जो कि एक एक्शन फिल्म थी। फिल्म में फरीदा लीड हीरोइन थी और इनके हीरो थे जॉय मुखर्जी, जो उस समय की फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे। मगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद आई फिल्म नया रास्ता। इस फिल्म में फरीदा जलाल के रोल को कुछ खास नोटिस नहीं किया गया। इसी दौरान फरीदा को फिल्म गोपी का ऑफर आया, जिसमें लीड एक्टर दिलीप कुमार साहब थे, जो कि उन दिनों अपने करियर के पीक पर थे। फिल्म इंडस्ट्री के हर हीरो ने कम से कम एक फिल्म दिलीप कुमार के साथ उनकी हीरोइन के रूप में करना चाहते थे, मगर फरीदा को कॉपी में दिलीप कुमार की बहन के रोल का ऑफर हुआ था। दिलीप कुमार की जबरदस्त फैन रही फरीदा जलाल ने गोपी में उनकी बहन का रोल स्वीकार कर लिया। गोपी फिल्म के बाद फरीदा के पास हीरो की बहन के रोल भी आने लगे। 1971 में रिलीज हुई फिल्म पारस में फरीदा जलाल ने संजीव कुमार की बहन का रोल निभाया और इस रोल के लिए फरीदा को उसका पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। अवार्ड था फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। इसके बाद फरीदा ने फिल्म मजबूर में अमिताभ बच्चन की बहन बनी और फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें उनके करियर का दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 70 के दशक के आखिरी सालों में जब बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्म ज्यादा बनाए जाने लगी और सारे छोटे मोटे रोल बड़ी बड़ी हीरोइंस भी कर रही थी, तो ऐसे में फरीदा जलाल जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए एक तगड़ी चुनौती बन गई। फरीदा ने अमर प्रेम, हम, बुनियाद, रिवाज, प्यार की कहानी और हीरा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से किसी भी फिल्म में उनका रोल बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। हालांकि आर्शी कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी में जरूर उनका किरदार चैलेंजिंग था, लेकिन इससे भी फरीदा को कोई खास फायदा नहीं मिल पाया था। धीरे धीरे फरीदा को फिल्मों में काम मिलना बंद होने लगा। जिन फिल्मों के ऑनफर्स फरीदा को मिला करते थे वो उतने खास नहीं थे कि फरीदा उन्हें साइन करे हैं। लेकिन फिर साल 1974 में आई फिल्म जीवन रेखा। इस फिल्म में फरीदा हीरोइन थी और इनके हीरो थे तबरेज बर्मावाला, जो कि कुछ धार्मिक फिल्मों में काम कर चुके थे। जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान तबरेज और फरीदा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे।
लगभग 3 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार साल 1978 को नवंबर में फरीदा ने तबरेज से शादी कर ली। और फिल्मों से दूर होने का फैसला कर पति तबरेज के साथ बैंगलोर शिफ्ट हो गए। बैंगलोर में फरीदा के पति तबरेज ने अपना डिटर्जेंट और साबुन फैक्ट्री का बिजनेस शुरू किया। फरीदा को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम यासिन रखा गया। पति के साथ फरीदा ने बैंगलोर में 8 साल तक का वक्त गुजार दिया। हालांकि उस वक्त तक फरीदा फिल्मों में तो नहीं, लेकिन टीवी पर जरूर काम करने लगी थी। दरअसल उस दौर में बनने वाले घर जमाई और सारा जहां हमारा नाम टीवी शोज की शूटिंग बैंगलोर में ही हुई थी। फिल्म नगरी मुंबई में जब यह खबर पहुंची कि फरीदा फिर से एक्टिंग करने लगी है, तो उनके पास फिर से फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। फिर एक दिन प्रोड्यूसर SS ओबराय अचानक ही बैंगलोर में फरीदा के घर पहुंच गए और उन्होंने फरीदा को अपने शो देख भाई देख में काम करने का ऑफर दिया। फरीदा को यह रोल कुछ अलग लग रहा था, तो उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। आखिरकार फरीदा देख भाई देख में काम करने मुंबई आ गई। देख भाई देख शो को काफी पसंद किया गया। शो का हर एक किरदार दर्शकों के दिलों में उतर गया। फरीदा को भी शो में दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसी दौरान राज कपूर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हीना पर काम करना शुरू किया, तो इन्होंने फरीदा के भाई खालिद के पास मैसेज भिजवाया कि फरीदा जल्द से जल्द राज कपूर से मिले। चूंकि फरीदा उन दिनों मुंबई में ही थी, तो वह जाकर राज कपूर से मिले। राज कपूर ने उन्हें हिना फिल्म की स्टोरी सुनाया और उनके रोल के बारे में उन्हें बताया। फरीदा को अपना रोल पसंद आया। हिना रिलीज हुई और बड़ी हिट साबित हुई। फरीदा जलाल की एक्टिंग ने भी लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल यही वो वक्त था जब फरीदा जलाल फिल्मों में हीरोइन या फिर बहन के रोल से हटकर मां या फिर दादी के रोल में फिट होने लगी थी। कह सकते हैं हीना के बाद फरीदा जलाल की दूसरी पारी शुरू हुई थी। 90s का दशक था जब फरीदा जलाल फिल्मों में मां या फिर दादी का रोल निभाने लगी थी। इस दौरान इन्होंने एक से बढ़ाकर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। घर, देश, लाडला, क्रांतिवीर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, जुदाई, जिद्दी, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, सोल्जर, कहो ना प्यार है और क्या कहना। ये कुछ फिल्में हैं जो इनके दूसरी पारी की बेहतरीन फिल्में मानी जाती हैं। वो केवल फिल्मी नहीं, फरीदा जलाल ने टीवी पर भी खूब काम किया है। टीवी पर भी ये सालों से एक्टिव रही हैं। द ग्रेट मराठा, जुनून, शरारत, बालिका वधू जैसे ये कुछ टीवी सीरियल्स हैं जिसमें फरीदा जलाल ने दमदार अभिनय किया। खास तौर पर शरारत में इनकी कॉमेडी बहुत पसंद की गई थी। फरीदा की उम्र अब 75 साल के करीब पहुंच चुकी है। उम्र के इस पड़ाव में अब बेहद कम प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। लेकिन उनके चाहने वालों के बीच उनका चार्म आज भी बरकरार है। आपको फरीदा जलाल की एक्टिंग कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।